नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्कूलों के निरीक्षण की निगरानी करेंगे एससीएसएस सिद्धार्थ। गाड़ियों के प्रदूषण चलान की जुर्माना राशि में बदलाव। बिहार के ये 21 जिले जो हर साल होते हैं सुखाड़ से प्रभावित। बिहार में अगस्त महीने में जीएसटी संग्रह में 8% की वृद्धि। और 34 साल के हुए भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी। अब खबरें विस्तार से। गाड़ियों के प्रदूषण चलान की जुर्माना राशि में बदलाव। बिहार सरकार ने गाड़ियों के प्रदूषण चलान की जुर्माना राशि में बदलाव कर दिया है। बता दें, अब गाड़ियों की कैटेगरी के हिसाब से चलान काटा जाएगा। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि पहले वाहनों के लिए प्रदूषण चलान 10,000 रुपये था, लेकिन अब इसे घटाकर कम कर दिया गया है। बता दें, अब दो पहिया वाहन का प्रदूषण चलान पहली बार 1,000 वही दूसरी बार 1,500। तिपहिया वाहन की बात करें तो पहली बार 1,500, दूसरी बार 2,000। हल्के मोटरयान का पहली बार 2,000 और दूसरी बार 3,000। वही मध्यम मोटरयान का पहली बार 3,000 और दूसरी बार 4,000। वही भारी मोटरयान का पहली बार 5,000 और दूसरी बार 10,000 रुपये का प्रदूषण चलान काटा जाएगा। स्कूलों के निरीक्षण की निगरानी करेंगे एससीएसएस सिद्धार्थ। बिहार के स्कूलों के निरीक्षण की निगरानी अब खुद शिक्षा विभाग के एससीएसएस सिद्धार्थ करेंगे। बता दें कि मुख्यालय के सभी अधिकारियों के स्कूल निरीक्षण की रिपोर्ट निदेशक के माध्यम से उनके पास आएगी, जिसके बाद रिपोर्ट और सुझाव पर तत्काल कार्रवाई होगी। विभाग ने साफ कहा है कि स्कूलों के निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति बिल्कुल नहीं चलेगी। पहले विभाग के पदाधिकारी निरीक्षण रिपोर्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जमा करते रहे हैं, मगर अब वे एक अलग से भी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें स्कूल की कमियों के साथ साथ उसमें सुधार के उपाय भी बताना होगा। ये रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से अपर मुख्य सचिव के पास आएगी। रिपोर्ट और सुझाव पर तत्काल कार्रवाई होगी। डीएम ने मंकी पॉक्स को लेकर पटना एयरपोर्ट सहित कई जगहों पर हेल्थ डेस्क स्थापित करने के दिए निर्देश। मंकी पॉक्स को लेकर बिहार में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है। पटना एयरपोर्ट सहित कई जगहों पर हेल्थ डेस्क लगाए गए हैं। वहीं पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने लोगों से मंकी पॉक्स बीमारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी हेल्थ एडवाइजरी का पालन करने को कहा है। उन्होंने सिविल सर्जन को पटना एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया है। विभाग ने जारी किए 1384 करोड़, जल्द मिलेगा शिक्षकों का वेतन। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि बीते दिन शिक्षा विभाग की ओर से 1384 करोड़ 23,23,854 रुपये सभी जिलों को जारी कर दिया गया है। अब राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों को जल्द ही वेतन मिल पाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा अगले सप्ताह तक वेतन भुगतान करने का निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक बी कार्तिक के धनजी की तरफ से शिक्षकों को वेतन भुगतान में पहले से निर्गत गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भी दिया गया है। बिहार के ये 21 जिले जो हर साल होते हैं सुखाड़ से प्रभावित। बिहार के 21 ऐसे जिले हैं जहां हर साल सुखाड़ के कारण खेती प्रभावित होती है। बता दें, रोहतास, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, वैशाली, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका जिले सुखाड़ से प्रभावित होते हैं। बता दें, इन जिलों में 59% तक कम बारिश हो रही है, जिसके कारण सुखाड़ की स्थिति बन रही है। वहीं बक्सर, भभुआ, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज में सामान्य स्थिति बन रही है। वहीं राज्य के 3 जिले पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सिवान में सूखे का असर नहीं है। इन तीनों जिलों में सामान्य से 60% अधिक तक बारिश होती है। कृषि विभाग की ओर से राज्य में सुखाड़ के ट्रेंड के विश्लेषण में इसे किसानों के लिए चुनौती माना गया है। बिहार के 7,000 गांवों में नहीं हो पाया सर्वे, ग्राम सभा कराने का आदेश।
बिहार में बीते 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम चल रहा है। राज्य में 45,000 से ज्यादा गांवों में ये सर्वे किया जाना है, जिनमें से 38,000 गांव में सर्वे की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। लेकिन बिहार में 7,000 ऐसे गांव हैं जहां सर्वे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इन गांवों में अभी तक ग्राम सभा का आयोजन होना बाकी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक हफ्ते के भीतर इसे पूरा करने का आदेश दिया है। जो गांव बच गए हैं वहां अगले सप्ताह से ग्राम सभा कराकर सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जमीन से जुड़ी ऑनलाइन जानकारी मुहैया कराने में बिहार का रोहतास जिला सबसे आगे है। यहां सर्वे काम शुरू होने के बाद अब तक 26,369 लोगों ने जमीन की जानकारी ऑनलाइन जमा कराई है। औरंगाबाद में 1500, पटना में 2,269, समस्तीपुर में 2600 लोगों ने जानकारी उपलब्ध करा दी है। देश के किसानों को पीएम का सौगात, कृषि मंत्री मंगल पांडे ने जताया आभार। बीते दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से संबंधित 7 कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इससे बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य को काफी लाभ मिलेगा और इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि खाद्य पोषण, डिजिटल कृषि मिशन, कृषि शिक्षा और प्रबंधन, टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य, बागवानी विकास, कृषि विज्ञान केंद्र और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर ये 14,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। बिहार के गया से चलेगी वाराणसी पटना हावड़ा हाई स्पीड ट्रेन। बिहार के गया से वाराणसी पटना हावड़ा हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली है। बता दें कि हाई स्पीड ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलेगी, जो यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल जाएगी। बता दें कि इस ट्रेन का रूट चार्ट तैयार हो गया है। ये ट्रेन कुल 13 स्टेशनों से गुजरेगी। गया में इस ट्रेन का स्टॉपेज होगा। वही इसके लिए 75 किलोमीटर की भूमि मालिकों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए बीते दिन जिला परिषद सभागार में अपर समाहर्ता परितोष कुमार की अध्यक्षता में सार्वजनिक जन परामर्श, पर्यावरण और सामाजिक सुझाव के लिए बैठक भी हुई है। बिहार में अगस्त महीने में जीएसटी संग्रह में 8% की वृद्धि। अगस्त महीने में बिहार में जीएसटी संग्रह में 8% की वृद्धि हुई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बेहतर निगरानी और कर चोरी में कमी के कारण यह संभव हो सका है। वाणिज्य कर विभाग के अनुसार अगस्त महीने में बिहार में जीएसटी के माध्यम से सरकार के खजाने में 1,491 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। अगर पिछले साल की बात की जाए तो 2023 में अगस्त महीने में 1,379 करोड़ रुपए जीएसटी के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा हुए थे। पिछले साल के मुकाबले जीएसटी संग्रह में 8% की वृद्धि हुई है। माना जाता है कि जिस महीने में त्यौहार रहता है उस महीने में जीएसटी संग्रह भी बढ़ जाता है। ऐसे में बिहार में आने वाले महीनों में जीएसटी संग्रह अधिक होने की उम्मीद है। नेपाल सरकार ने भारतीय वाहनों के लिए प्रवेश शुल्क में की वृद्धि। नेपाल सरकार ने भारतीय वाहनों के लिए प्रवेश शुल्क में भारी वृद्धि कर दी है। शुक्रवार को जारी आदेश के तहत भारतीय बाइक चालकों को अब 100 के बजाय 200 नेपाली रुपए का रोड परमिट शुल्क देना होगा। छोटे चार पहिया वाहनों के लिए ये शुल्क 200 से बढ़ाकर 500, मिनी ट्रक के लिए 500 से बढ़ाकर 700 और ट्रकों के लिए 700 से बढ़ाकर 1,000 नेपाली रुपए कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद वाहन चालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी निजात। पटना समेत अन्य जिलों में बारिश नहीं होने के कारण लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मॉनसून कमजोर पड़ गया है। हालांकि मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बता दें सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वही तेज गर्जना के साथ ठंड का गिरने की भी संभावना जताई गई है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पीके बोले, ईमानदार आदमी सिद्धांत को लेकर चलता है, किसी व्यक्ति के झंडे को लेकर नहीं।
जनसुराज के संस्थापक 2 अक्टूबर को बिहार के 1 करोड़ लोगों के साथ अपनी पार्टी की शुरुआत करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा। उनके मुताबिक बिहार की जनता बदलाव चाहती है और जनसुराज लोगों को एक विकल्प के रूप में दिख रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के शीर्ष पर बैठा आदमी यदि भ्रष्टाचारी और उसके साथ काम करने वाला ईमानदार हो तो वे ईमानदार को अपने साथ लाना पसंद करेंगे। ईमानदार आदमी सिद्धांत को लेकर चलता है, किसी व्यक्ति के झंडे को लेकर नहीं। बीमा भारती को प्रदेश उपाध्यक्ष किया गया नियुक्त। पूर्व विधायक बीमा भारती को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। बता दें, बीमा भारती को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बीमा भारती को प्रदेश उपाध्यक्ष की नई जिम्मेदारी दी है। प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद बीमा भारती ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का आभार प्रकट किया। बीमा भारती ने कहा कि जिस विश्वास के साथ पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है, वे उस पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जरूरतमंद लोगों को एमपी जांच पर्ची देंगे पप्पू यादव। सांसद पप्पू यादव ने एक विशेष पहल की है। बता दें कि पप्पू यादव जरूरतमंद लोगों को एमपी जांच पर्ची देने वाले हैं। इस पर्ची से पैथोलॉजी में जांच कराने पर मरीजों को छूट मिलेगी। बीते दिन पप्पू यादव ने अर्जुन भवन में उन्होंने ये बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर गलत पैथोलॉजी बंद नहीं होते हैं तो हम उसे बंद करेंगे और पूर्णिया में डॉक्टर साहब अगर 500 फीस लेंगे तो हम धरना देंगे। उन्होंने कहा कि कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि पूर्णिया कोट रेलवे स्टेशन से केनगर डिप्टी डिपो शिफ्ट होगा। इसके अलावा पप्पू यादव ने कहा कि रुपौली बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रोटी नमक हम दे रहे हैं। 34 साल के हुए भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आज 34वां जन्मदिन मना रहे हैं। मोहम्मद शमी के फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बधाइयां भी दे रहे हैं। उन्हें दुनिया के तेज गेंदबाजों में से माना जाता है। आज उनके पास ना तो पैसे की कमी है और ना ही शोहरत की कमी है, लेकिन एक समय था जब शमी पाई पाई के लिए मोहताज थे। उन्हें क्रिकेट के लिए अपना घर तक छोड़ना पड़ा था और दूसरे के घर में शरण लेना पड़ा था। गरीब परिवार में जन्मे शमी ने कभी हार नहीं मानी। हालांकि वे 2023 में वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने के बाद चोटिल हो गए हैं। अब वे क्रिकेट मैदान पर जल्द वापसी कर सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पप्पू कुमार, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, राजेश शर्मा, राकेश मिश्रा, सादुल्लाह पलवी, उमेश रेसिदेव, जितेंद्र ठाकुर, राम बाबूदास, मोहम्मद अजमेर, मोहम्मद शाकिर हुसैन, अनिल कुमार, मोहम्मद अरमान, गोनर शर्मा, रंजीत यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।